ਸਕਨੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼ਕਾਲ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੜਨ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਘੜ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕਿ ਆਈਐਸ ਆਈਐਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 마ਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ નિર્ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਸੈਦ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਸੈਦ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਦ ਸੌਰਵਰਦੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੇਨਾ ਨੇ ਭੁਖੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭੁਖੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਸૈયਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁਖੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸૈયਦ ਸੌਰਵਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਹੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਅਗੇਨਸ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ इसके अलावा अल्मी कलगरी इस्लामिक असम्बली जो है उसका मैं लीड इमाम और यहाँ कैलगरी में 20 साल हो गए मुझे अलहमदिल्ला मेरे दो बच्चे भी हैं और मेरी वाइफ सो वी हैव बीन लिविंग इन कैलगरी फॉर लॉन्ग टाइम और ये जड़ा ती पोख हड़ताल का सोचा है ये क्यों सोचा भूख हड़ताल इसलिए है, है ताकि लोगों की अटेंशन को ड्रा किया जाए कि दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो इस्लाम के नाम पर हो रहे हैं मुसलमानों के नाम पर हो रहे हैं जबकि वो सारे इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं मुसलमानों की चौदह सौ साल की ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ हैं सो आई एस आई एस इन इराक सीरिया इसी तरह से बोको हरम इन नाइजीरिया तालिबान अलकायदा ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जितने काम कर रही हैं इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ कर रही हैं तो और आई एस आई एस ने पिछले दिनों जब इराक़ के अंदर एक अमेरिकी सहाफ़ी को कत्ल किया है और जिस तरह से उसको कत्ल किया है ये ऐसी चीज़ है कि जिसको तो इस्लाम में बहुत बड़ी सज़ा है इसकी इवन किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करना किसी की जान लेना चाहे वो तुम्हारे दुश्मन का आदमी हो हमारे दीन में अलाव नहीं है तो लोग ये काम इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं तो ये भूख हड़ताल का मकसद यह है कि लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए उनकी अटेंशन हो कि दिस इज़ ऑल रॉन्ग ये सारे क्रिमिनल हैं ये सारे टेररिस्ट हैं ये सारे बदमाश हैं जो मुसलमानों के लिबास के अंदर मुसलमानों के हलिए के अंदर सामने आके कुरान पढ़ते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना इनका हमारे इस्लाम से ताल्लुक है ना हमारी, हमारी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ है तो ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि भाई ये सब गलत है ये लोग मुसलमान ही नहीं हैं और एक ड्रीन और गल है कि पिछले दिन ख़बर आई हैं कि आ, कुछ कैलगरी तो आ, आ, मुस्लिम भाईचारे के बच्चे जड़े आराक या सीरिया गया, थे, गया। थे, उ मारे गए तो उस बारे की कहना चाहोगे ये तो सबको मालूम है जी कि इस वक्त कैनेडा से सौ से ज़्यादा कनेडियन इराक और सीरिया में आई एस आई एस के लिए जंग कर रहे हैं और पिछले दिनों कैलगरी के जो तीन लड़के मारे गए हैं वहाँ पर वो यहीं पर रिक्रूट किए गए थे तो बिल्कुल ये बात सही है इसमें कोई झूठ नहीं है कि ये लोग मुसलमानों के ये, आ, ये बच्चे नौजवान बच्चे ए, इस आई एस आई एस के ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उससे अल्लाह भी खुश होगा और इस्लाम भी अच्छा होगा नहीं ना अल्लाह उनसे खुश होगा ना ये शहीद हैं ना ये इस्लाम की खातिर जान दे रहे हैं ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिकल एजेंडे की खातिर अपने आप को मार रहे हैं तो ये जब मरने के बाद इनको ख़ुदा के पास जब जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी जानें बिला वजह ज़ाया हुई हैं और इन्होंने दूसरों को जो कत्ल किया उसकी सज़ा इनको मिलेगी तो ये लोग बदकस्मती से कनाडा में रहते हुए कनेडियन होते हुए वहाँ पर ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो गए और ये बड़े अफसोस की बात है इसको हम मुसलमान जितनी भी मुसलमान कम्यूनिटी है इसको कंडेम करती है और इस्ट्रॉली कंडेम करती है कि ये ये सारा काम आ, इस्लाम के खिलाफ है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है ये कनाडा के खिलाफ है ये इंसानों के ख़िलाफ़ है और इसको हमें रोकना पड़ेगा इसको हमें रोकना चाहिए कैनेडा वर्ग के देश के बच्च भी इतना कुछ हो रहा है ये सोच के नहीं इनसेर तो नहीं लेकिन यकीन या, या, मैं इस बारे में कंसर्न तो है कि चूँकि मैं आई कम्प्लीटली बिलीव कि वो उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं जो आ, लोगों को उल्टी सीधी बातें सिखा कर उनके दिमाग को ख़राब कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद हैं और दे कैन डू एनी थिंग सो इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न लेकिन uh, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जो सच बात कह सकता है वो उसको डर के मारे सच बात ना कहे जो एक बुराई को रोक सकता है वो डर के मारे उस बुराई को रोके नहीं अलहमदिल्ला देश नॉट द वे आई एम मैं अलहमदिल्ला जिस माँ बाप की औलाद हूँ और जो हमारे उस्ताद हैं जो हमारे मुर्शद हैं उन्होंने जो हमें तरबियत है तालीम दी है उन्होंने पूरी ज़िंदगी सच बात की है और सच्चाई के लिए खड़े हुए तो अलहम अल्लाह का शुक्र है कि हम हमको अल्लाह ने वो हिम्मत दी है वो काम कर रहे हैं और ये काम आप अपना फ़र्ज़ समझ के करते हैं किसी पे एहसान नहीं करते और और अपनी कम्युनिटी के लिए फ़िक्रमंद हैं कि ये बदकिस्मती से हम मुसलमानों के साथ जो इस वक्त हो रहा है और मुसलमानों के नाम पर जो गंदे काम लोग कर रहे हैं इसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है और सारी कम्यूनिटी का फ़र्ज़ है मेरे अकेले का नहीं है सारी कम्यूनिटी को खड़ा होना चाहिए एक मिलियन से ज़्यादा मुसलमान इस मुल्क में रहता है सब की जिम्मेदारी है कि वो इस आई एस आई एस और बोको हराम और तालिबान और अलकायदा इन सब के ख़िलाफ़ एक आवाज़ करके कहें कि ये सब गलत हैं ये सब इस्लाम के खिलाफ हैं ये हमारे दुश्मन हैं ये कनाडा के दुश्मन हैं और हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और इन सब को सज़ा मिलनी चाहिए आपको क्या लगता है कि वट्स द रीज़न जहाद जा तो तो, तो नहीं है यह ये, ये, इसको मैं जहाद ही नहीं कहता जहाद इस्लाम के अंदर जो जंग वाली बात होती है उसके बड़े सख्त असूल हैं उसके बड़े सख्त रिक्वायरमेंट हैं वो हर शख्स खड़े होकर जहाद नहीं कर सकता ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने मुल्क का दिफा करने के लिए ऐलान करे ये हर शख्स खड़ा होकर कह दें मैं जहाद पे निकल गया हूँ हर कुछ छोटी सी तंजीम बना लें एसोसिएशन बना लें और कहते हैं जहाद पर चले जा गया हूं। ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये तो इस्लाम के जो कानून है उसूल है उसके खिलाफ है तो ये जहाद नहीं है सबसे पहले तो ये ये टेररिज्म है ये पॉलिटिकल एजेंडा है ये दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं ये ख़ुद ईवल है दुनिया में ईवल फैलाना चाहते हैं अगर हम इसमें मुत होके तमाम मुसलमान भी गैर मुसलमान भी तमाम कैनेडियंस यूनाइट होकर इनको रोकेंगे नहीं ये सारी दुनिया का अमन ख़राब कर देंगे ये खाली इराक़ और सीरिया में नहीं रुकेंगे ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और देखो ना अभी जिस आदमी ने अमरीकी सहाफ़ी को कत्ल किया है उसके एक्सेंट से पता चलता है कि वो ब्रिटिश है तो इन्होंने खाली कनेडियन नहीं अमेरिकन ब्रिटिश यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन इन सबको रिक्रूट कर लिया है तो आई थिंक इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इट्स वेरी कंसर्निंग सिचुएशन कि कनेडियन गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए इसको रोकने के लिए तदाबीर करनी चाहिए इनको इसको रोकने के लिए प्लान करना चाहिए और बड़ी बुरी बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने इस मामले में इस चीज़ को सीरियस अभी तक नहीं लिया है एंड मेरी इस भूख हड़ताल का मकसद ये है कि कनेडियन गवर्नमेंट को भी कहें कि यू हैव टू डू सम यू आर नॉट डूइंग एनी और उसके लिए कनेडियंस uh, को भी मुसलमानों को भी गैर मुसलमानों को भी हुकूमत को भी बताना ज़रूरी है कि हम सब इसके मतलब कंसर्न हैं और हम सब इसको कंडेम करते हैं और हम सब को मिलकर इसको रोकना है जेडे एक दो एक तो बच्चे जो इतना गए उस केस के पुलिस वालों कोई तफ्तीश जड़ी की गई है या थोड़े बारे कोई नॉलेज हैगी मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि पुलिस ने उनके बारे में क्या किया एक्चुअली दो रात पहले ही मुझे एक और मैसेज आया और पहली दफ़ा आई एस आई एस के किसी आदमी ने मुझे इराक से मूसल वहाँ शहर जो है जिस पर आई एस आई एस का कब्ज़ा है इस वक्त वहाँ से मैसेज भेजा है मेरी फेसबुक के ऊपर कि मिस्टर सोवर्धि यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट अस यू आर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट आई एस आई एस यू आर रॉन्ग एंड योर इस्लाम इज़ रॉन्ग द इस्लाम वी आर टीचिंग इज़ राइट इस्लाम सो यू कैन सी के हाउ 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 डेलेबरेट दीज पीपल आर कितने क्रेजियस ये लोग हैं कि और वो बंदा कैनेडियन है उसने अपनी फेसबुक पे लिखा है कि वो ऑटोआ का रहने वाला है ही इज़ ए यंग फेलो आई एम नॉट श्योर वट वट इज़ हिज एज बट इज़ वेरी यंग एंड ही वॉज़ स्टडींग इन इन ऑटवा बल्कि उसने अपने स्कूल का नाम भी लिखा है क्रिस्ट क्रिस्टल हाई स्कूल इन ऑटोआ तो ये सारी चीज़ें हैं हमें बता रही हैं कि ये लोग uh, यहाँ भी मामला ख़राब कर सकते हैं और इसको अगर हमने रोका नहीं तो हम सब के लिए बड़ी मुसीबत के बायस बन जाएगा इस्पेशली मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी और इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इस मामले में खड़े हों और इसको रोकें अपने बच्चों से बात करें मेक श्योर sure कि हमारे नौजवान बच्चे ख़ास तौर पर किसी सूरत में इस इसका इन्फ्लुएंस ना हो और ये बात भी सबको पता होना चाहिए और ये मैंने बार बार कही है कि मुसलमानों के जितने फ़िरके हैं मुसलमान भी डिवाइड है, उसके फिरकें, फिरकें हैं उसके फ़िरके हैं कई फ़िरके हैं लेकिन मुसलमानों के कोई फ़िरका इसमें इन्वॉल्व नहीं है किसी फ़िरके के मानने वाले इन्वॉल्व नहीं है सिवाय एक के बोको हरम हो जाए या आईएसआईएस हो जाए या तालिबान हो जाए या अलकायदा हो जाए ये सारे के सारे एक ही फिरके के लोग हैं जिसको हम कहते हैं वहाबी सलफ़ी ये वहाबी सलफ़ी फ़िरके के लोग हैं जिसमें जिन्होंने दुनिया के अंदर परेशानी फैलाई हुई है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे वहाबी टेररिस्ट हैं लेकिन जितने टेररिस्ट हैं ये सारे वहाबी भी ये सारे सलफी हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों की मॉनिटरिंग करे इनके बारे में विजिलेंट हो इन इनकी एक्टिविटीज़ को देखे ये ओपनली कभी भी नहीं कहेंगे कि हम आई एस आई एस के सपोर्टर हैं ये अंडरग्राउंड काम करते हैं लेकिन शुरू में लोगों को अपने क़रीब लाते हैं और फिर उसके बाद उनका ब्रेन वॉशिंग करते हैं तो नाइन्टी नाइन परसेंट मुसलमान दुनिया भर में जितने भी हैं वो इनसे बिल्कुल इख्तलाफ़ रखते हैं इन इनके नज़रिए के इनके अकीदे के ख़िलाफ़ हैं ये वाबी सलफी अकीदा है जो मुसलमानों के मेन स्ट्रीम अकीदे से बड़ा मुख्तलफ है ये फैनेटिक्स हैं ये लोग एक्स्ट्रीमिस्ट हैं ये नफरत करते हैं गैर मुसलिमों से भी और उन मुसलमानों से भी नफरत करते हैं जो इन इनसे इन इख्तलाफ करें आ, बहुत सारिया गल् है जिन्होंने गल कर रहे कि जिहाद इस्लाम के जिहाद का मतलब है देखो तो जी जिहाद का जो लफजी माने हैं द मीनिंग ऑफ जिहाद इज़ ए स्ट्रगल कोशिश करना स्ट्रगल करना तो उस स्ट्रगल के लेवल हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपानम उन्होंने जो हमें लेवल बताएं वो तीन लेवल हैं पहला स्ट्रगल है कि हर शख्स में गुना करने की ख्वाहिश होती है सलाहियत होती है एबिलिटी होती है तो प्रॉफिट पीस बी अपानम उन्होंने ये कहा कि भाई तुम अपने अंदर जो गुना करने की ख्वाहिश पैदा हो टम्पटेशन्स पैदा हो, उनको रोको तो उसके खिलाफ स्ट्रगल करना ये जहाद है अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ गंदा इंसान बनाने की बजाय अच्छा इंसान बनाओ तो बुराई से बचने के लिए गुनाहों से बचने के लिए इंसान जो अपने ऊपर कंट्रोल करता है अपने को रोकता है इसका नाम जिहाद है नंबर एक फिर उसके बाद यह कि जब इंसान अपने आप को सही कर ले पहले अपने आप को सही करें दूसरों को सही करने से पहले अपने आप को पहले सही करना है उसके बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर तुम अपनी सोसाइटी में कोई गलत काम देखो कोई बुराई देखो कोई जुल्म देखो तो उसके खिलाफ ज़बान खोलो उसके खिलाफ लिखो और ये सारे कनेडियन करते हैं अल्लाह का शुक्र है कि हर कनेडियन इस बात पर यूनाइटेड है आई थिंक ऑल सिविलाइज पीपल आर यूनाइटेड, कि जो कहीं भी कोई गलत चीज़ होती है उसके बारे में बोलते हैं कि भाई ये गलत है ये सही है तो ये भी जहाद है और तीसरा जो लेवल है जहाद का वो है जंग वाला वेपन्स वाला और वो है कि उसका अनाउंसमेंट एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता एक फ़र्द नहीं कर सकता कोई तंजीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती वो गवर्नमेंट का काम है और उसका मतलब होता है कि अगर कोई तुम्हारे मुल्क पर हमला करे उसके मुकाबले में अपने आप को डिफेंड करना अपनी सॉवरेंटी को डिफ़ेंड करना अपने मुल्क को डिफेंड करना अपने सिटीजन्स को डिफेंड करना वो जहाद है जो आखिरी स्टेज है जिहाद की और जैसे कनेडियन अगर अल्लाह ना करे कोई कनाडा पे हमला करेगा तो कैनेडियन आर्म फोर्सेस डिफेंड नहीं करेंगे कि बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए हम करेंगे तो ये जो चीज़ है इसको भी जिहाद कहते हैं जिहाद ये नहीं है कि तुम जाओ बच्चों को मार डालो तुम जाओ औरतों को मार डालो तुम इधर बम रख दो उधर बम रख दो सुइसाइड बामर बन जाओ इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दो ये जहाद नहीं है ये इस्लाम में बहुत बड़ा गुना है इस्लाम में जिंदगी की जो अहमियत है ना लाइफ ऑफ़ लाइफ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसकी इतनी अहमियत है कि इससे बड़ा अहम अल्लाह की इबादत भी नहीं है यह भी असुन आप मसला अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और वो उसको पता चल गया कि एक दूसरा आदमी है उसकी लाइफ खतरे में है तो उसको नमाज तोड़ कर नमाज छोड़ कर उस आदमी की जान बचानी यह हमारे दीन का हुक्म है अगर कोई मुसीबत में है उसकी मुसीबत पहले दूर करनी है इसी तरह से हमारे किताब जो कुरान शरीफ़ है उसमें अल्लाह ताला ने लिखा है फरमाया है कि किसी एक इंसान की जान बचाना ऐसे है जैसे तुमने सारी इंसानियत की जान बचाई किसी एक इंसान को मार देना ऐसा ही है जैसे तुमने सारे इंसानों को मार डाला ये तो कुरान शरीफ़ में है प्रॉफ़िट महमद सल्ला वसलम ने जो मुसलमानों की सबसे अहम तरीन जगह है ना मुक़दस तरीन जगह वह है मक्का में काबा जिसका हम हज करने जाते हैं दैट इज़ द होलीएस्ट प्लेस फॉर मुसलिम्स ऑन प्लैनट अर्थ उस काबे को देखकर मोहम्मद सल्ला वम ने खुद कहा कि एक इंसान की जिंदगी इससे ज़्यादा मुकदस है सो यू कैन सी कि हाउ इम्पोर्टेंट देंटिटी ऑफ लाइफ इन इस्लाम इज़ कितना अहम है ज़िंदगी की अहमियत इस्लाम के अंदर ये लोग जना बच्चों को मार डालते हैं औरतों को मार डालते हैं गैर मुसलमों को मार डालते हैं मुसलमानों को मार डालते हैं तो ये ये इंसान थोड़ी है ये मुसलमान तो है ही नहीं ये इंसान भी नहीं है तो ये ज़हाद नहीं है ये टेररिज्म है और इसको हम मुसलमान सब कंडेम करते हैं हमारी कुरान इसको कंडेम करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कंडेम करते हैं ये हम में से नहीं है ये पता नहीं कौन लोग जेड़े भी ये घटना हुई है इराक़ के बच्चे अगर जैसी गल करिए किसी का कि सिर कलम कर देना बहुत वीडी गल होंगी है और इस्लाम है इसमें किस तरह देखता है देखिए ना उसका जो जिस तरह से उसका सर काटा गया है आ, ये तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान ये ऐसा काम कर सकता है ये यही तो मैंने इसलिए कहा कि ये मुसलमान ही नहीं ये इंसान भी नहीं है ये पता नहीं कौन सी मखलूक है इंसानी शक्ल में है इनकी शक्ल शक्लो सूरत इंसानों जैसी है लेकिन ये बदतरीन जानवरों से भी बदतर है तो वो बड़ा ख़राब काम था उसको देख कर लाजमी तौर तो पर आ, इंसान परेशान हो जाता है कि ये क्या देख लिया है तबीयत ख़राब हो जाती है तो यकीन इट वज़ रॉन्ग और इसको कंडेम करते हैं बल्कि मैं कहता हूँ जिस जो जो इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाए उनको सज़ा दी जाए ये ाल लोग हैं ये गंदे लोग हैं इनका हमारी कम्यूनिटी से मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्हें जिस तरह से उस इंसान की गर्दन काटी है आ, मैं ये मैं तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इसके लिए अल्फाज कहाँ से लाएँ कि ये ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਨਕੋ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮਾਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਵੀ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਕੋ ਇਸਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ की लगता है कि भी कुछ ही हो रहा है। बिल्कुल जी आपकी बात सही है टेररिज्म जो है ना ख़ाली मुसलमानों की इजार नहीं है ये दुनिया के दूसरे मजाब में दूसरी कौमों में है बल्कि मुसलमानों में तो अब आया है ये सारा मसला ईसाइयों में रहा है कोकलक्स क्लैन और एरियन नेशन दीज वर वेरी एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुप दे स्टिल एग्जिस्ट इसी तरह से दूसरे मजाब के अंदर भी इस कस्म के लोग मौजूद हैं तो जो भी एक्सट्रीमिस्ट है चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो वो वो ग़लत है और उस उसको हमें हर सूरत में रोकना चाहिए और मिलकर रोकना चाहिए दुनिया का कोई मज़हब किसी भी इंसान को एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं लेके जाता दुनिया का हर मज़हब जो है वो इंसान को अच्छा इंसान देखना चाहता है हम हमारे अकीदे मुख्तलि हैं हमारे बिलीव मुख्तलफ हैं लेकिन दुनिया का कोई भी मज़ब यह नहीं सिखाएगा कि तुम मासूम लोगों की जान लो तुम झूठ बोलो तुम कतल करो So, I think it is it is a, a it is a responsibility of people of all faiths that we come together and fight against this extremism, whether it is within the Muslim community, or Christian community, or Jewish community, or Hindu community, or any community. So, we have to be uh, united on this stand that the violence is not acceptable, regardless of who does it. Whatever uh, it is wrong. कितने दिन हो गए तो मैं बैठे अभी मैंने एक बजे आज से हमने ये शुरू किए है वन ओ क्लाक और आई विल कंटिन्यू दिस हंगर स्ट्राइक अन्टिल संडे फाइव ओ क्लाक पाँच बजे हमारे प्रोग्राम होगा वाइट होन कम्यूनिटी सेंटर नॉर्थ ईस्ट में तो उसमें हम कम्यूनिटी के लोगों को भी बुलाया है और फिर फिर इन विल एंड माई हंगर स्ट्राइक प्रधानमंत्री या हो जो इतना पोलिटिकल लीडर्स है उन्होंने कॉन्टैक्ट कराने की कोशिश की या उन्होंने वालों को मैसेज या कोई रिस्पॉन्स ऐलान तो, तो बाद आया नहीं मेरे मुझे कोई रिस्पॉन्स न प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ना किसी की तरफ से आया सिवाय के कि आर सी एम पी के जो ऑफिसर्स हैं मैंने चूँकि उनको खुद रिपोर्ट किया था ये जो जिस आदमी ने मुझे मैसेज भेजा था मूसल से इराक से so they have contacted me and they wanted to meet with me next week so i uh, will meet with them but other than that uh, there has been no contact from any other uh, official of the government of canada or jehde vi bacche utthe gaye aa unhan de parivar waleyan de naal toda koi contact hoya hove ya unhan ne tuhanu contact kita hove except uh, damian clairemont the, the the first uh, calgaryan who died uh, whose news came out from syria that he died एक्सैप्ट हिज़ मदर क्रिस्टीन आई एम नॉट इन टच विद एनी बडी इज़ फेर सो किसी और के साथ तो मेरा कोई रता नहीं है लेकिन क्रिस्टीन बुद्ध रोह शी इज़ द मदर ऑफ डेमियन खिलरमान थ्रू फेसबुक वी आर इन टच एंड वी समटाइम एक्सचेंज आवर व्यूज ऑन ऑन दीज थिंग एंड वो क्या फील कर रहे हैं इस टाइम या तो इदा द कोशिश की गई कि उन्होंने परिवारों के नाल कॉन्टैक्ट किया जाए और उन्होंने ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਭੂਕਰਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਮੁਸਲਮ ਕਮਿਊਨिटीज اسپੈਸ਼ਲੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ और कोई उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है तो दे शुड सिट डाउन विद मी एंड वी कैन डिस्कस एंड वी कैन टॉक सो बिल्कुल हम मुख्तलिफ मुसलमान फैमिलीज़ से रबता कर रहे हैं आज जुमे की नमाज में भी आ, हमारे पास डेढ़ हज़ार से ज़्यादा नमाजी हैं हैं उनसे मैंने यही कहा है कि भाई आई एम विलिंग टू सिट डाउन अब दो दिन मैं यहीं पर हूँ वो आएँ बात करें अपने बच्चों को ले कर आएँ और संडे के दिन जब हमारी ये एंड होगी हंगर स्ट्राइक की उसमें फिर उनको मैंने कहा कि आप लेके आए और बात करें क्वेश्चन करें इस्लाम इज ए नॉर्मल कॉमन सेंस रिलीजन इट हैज नो एबनॉर्मलिटी लेकिन फिनैटिक्स ने इसको ऐसे पेश किया जैसे एबनॉर्मल होता है तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमान फैमिलीज खासतौर पर मुसलमान फैमिलीज और नॉन मुस्लिम फैमिलीज और दे कैन ऑल्स कम एंड वी कैन सिट डाउन एंड वी कैन टॉक ओके ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ تعلیم ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ उसके बारे में कमेंट करना चाहोगे आई जस्ट हर्ड एक्चुअली ऑन रेडियो आई थिंक दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव बहुत अच्छा काम है कि बच्चों को बुरी शोब से बचाने के लिए बुरी कंपनी से बचाने के लिए वॉट एवर वी डू इस गुड तो मुझे उसका पूरा नहीं पता कि उसमें क्या क्या एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होगी बट इट इज़ बैटर टू डू एनी थिंग दैट एजुकेट अवर चिल्ड्रेन दैट दे शुड नाट बी इन in गेटिंग in those इन kind of activities ऑफ एक्टिविटीज़ विच कैन later ऑन सो so, बच्चों को उन तमाम बुराइयों से उन तमाम गंदे लोगों से बचाना है कि जो उनके लिए मुसीबत बाद में बन सकते हैं चाहे वो किसी शक्ल में हो चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हों चाहे वो आ, दूसरे जो से इंटरनेट पर जो उल्टे सीधे काम होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आई थिंक दिस इज़ अ गुड इनिशियटिव एंड वी सपोर्ट आपको लगता है कि अगर ये कदम पहला चक्या गया होंगे दे शायद कुछ जाना बच सकती हैं बिल्कुल बिल्कुल जी मैं तो यही तो बात सारी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैज़ डन वेरी लिटल टू स्टॉप इट टू कंट्रोल इट टू मॉनिटर इट बट अगर अगर गवर्नमेंट ऑफ अलबेटा ने कुछ काम शुरू किया है तो आई थिंक वी ऑल शुड अप्रिशिएट इट इट्स नेवर टू लेट इट इज ऑलरेडी लेट बट इट्स नेवर टू लेट सो लेस स्टार्ट सम टू स्टार्ट दिस मैनेस दैट इज गोइंग ऑन और थानू तो की लगता है कि आई एस आई एस कैनेडा किस तरह अपने रीच बधा रहा है कैसे वो कर रहे हैं मैं मैंने तो पता है वो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी हेयर तो अब वो कैसे रीच आउट करते हैं जनरली दी स्ट्रैटेजी इज कि वो यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कूलों के अंदर प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर कम्युनिटी के अंदर अपने प्राइवेट प्रोग्राम्स होल्ड करते हैं दे ऑर्गेनाइज लेक्चर्स दे ऑर्गेनाइज सेमिनार्स उन सेमिनार और लेक्चर्स का टॉपिक तो बड़ा नॉर्मल सा होता है जिस पर किसी को भी एतराज़ नहीं हो सकता और फिर जब लोग उनके लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं जब उनके सेमिनार सुनने के लिए जाते हैं तो फिर वो इस्पीकर के साथ कुछ लोग मुतासर हो जाते हैं उनका उसका इन्फ्लुंस आ जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि उन लोगों को जो उनके साथ अटैच होना चाहते हैं या उनके साथ फर्दर इंटरेक्शन करना चाहते हैं उनको फिर वो अपने क़रीब लेके आते हैं और फिर हल्के हल्के फिर उनको अपने इनर सर्किल में शामिल कर लेते हैं सो so ये जो ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस है ये एक दिन का एक रात का एक हफ्ते का नहीं है इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस सो पहले उन लोगों को करीब लाओ फिर हल्के 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 उनको अपने इनर सर्किल में दाखिल करो फिर उनका अकीदा चेंज करो उनके बिलीफ चेंज करो उनका बिलीफ कैसे चेंज होता है वो नॉर्मल मुसलमान होते हैं और उनको वहाबी सलफ़ी अकीदे पे लेके आते हैं सबसे पहले ये उसका अकीदा चेंज करते हैं उनको वहाबी सलीफ सलफ़ी अकीदा देते हैं जो किसी सुन्नी नशिया मुसलमान का यकीदा होता है ये बिल्कुल एक अलग अकीदा है तो ये पहले उसको अपने अकीदे में शामिल करते हैं फिर जब वो उनके अकीदे में आ जाता है फिर उसको वो एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंट इंसान बना लेते हैं क्योंकि वहाबी सलफ़ी अकीदे में ये है कि जो तुमसे डिसग्रीमेंट करे वही गलत है तो उसमें डिसग्रीमेंट के लिए कोई चांस नहीं है आपके पास यू हैव टू एग्री हंड्रेड परसेंट विद दैम अदरवाइज यू आर इवन मुस्लिम यू आर नॉट मुस्लिम फॉर देम सो दैट्स द वे दे डू दे चेंज अकीदा बिलीफ uh, और उसको वहाँ भी बनाते हैं पहले उसको सेल्फी बनाते हैं फिर उसको फिर वायलेंट इंसान बनाते हैं तुम आई एस आई एस नैसेज देना चाहोगे माय मैसेज टू देम दैट यू आर डेड रॉन्ग एंड व्हाट यू आर डूइंग इज 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 क्रिमिनल एंड इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम एंड आई चैलेंज दैम एनी वन हु कम एंड टॉक टू मी एंड आई विल सिट डाउन एंड आई व्रूव दैट एवरी थिंग दैट आई एस आई एस इज़ डूंग द नेम ऑफ इस्लाम इज अगेंस्ट इस्लाम इट इज अगेंस्ट कुरान इट इज़ अगेंस्ट द टीचिंग प्राफिट महम्मद पी एस पेफान इट इज़ अगेंस्ट दिन हंड्रेड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम द ट्रेडिशन ऑफ मुस्लिम्स चौदह सौ साल मुसलमानों की ट्रेडिशन है किसी ने यह काम नहीं किया जो ये लोग कर रहे हैं तो अगर वो मुझे कायल करें तो मैं देखना चाहता हूँ और अगर मेरी बात उनकी समझ में आ जाए तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे और अच्छे रस्ते पर डाल दे बुरे रास्ते से निकाल दे और दुनिया के जेड वक् वेशों के अलग अलग जगह मुसलमान कम्युनिटी है उन्होंने तो यही मैसेज देना चाहोगे मेरा मैसेज सबको यही है कैनेडियन हो या दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं कि देखें मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकता मुसलमान फनेटिक नहीं हो सकता मुसलमान वायलेंट नहीं हो सकता अगर हम वायलेंट भी हैं और मुसलमान भी हैं तो हम इधर वायलेंट हैं मुसलमान हैं दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती जो शख्स रसूल करीम सलील आल वसलम से मोहब्बत करता है उसके दिल में नफ़रत नहीं आ सकती हमारे जो सूफ़ी हैं उन्होंने हमें यही सिखाया कि मोहब्बत मुसलमान का ईमान का अक़ीदे का बुनियाद है तो जो नफ़रत करे किसी भी इंसान से किसी भी इंसान से उसका ईमान कमज़ोर है उसका इस्लाम कमज़ोर है और उसको चेक कर लेना चाहिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की मोहब्बत सिखाई उनके मानने वालों ने मोहब्बत की सूफ़ियों ने मोहब्बत की मुसलमानों ने मुहब्बत की है और अगर कोई इंसान मुसलमानों का कर नफरत करता है तो वो अपने ईमान को चेक करे अपने इस्लाम को चेक करे दैट इज़ डेफिनेटली नो नो एक दिल में हुजूर की महब्बत और अल्लाह की मखलूक की नफरत इकट्ठी नहीं हो सकती जेडे कही कैनेडा वासियाँ नूँ या बाकी कम्यूनिटीज़ ने तो सिक्कि मैसेज देना चाहोगे बाकी जो नॉन मुस्लिम कम्यूनिटी है उनका मेरा मैसेज यही है कि भाई आप इन लोगों से ये जो आई के लोग हैं या इस किस्म के दूसरे टेररिस्ट लोग हैं इनको डोंट अज्यूम दैट देर मुसलम मे बी वो नमाज मुसलमानों जैसी पढ़ते हैं वो शक्लें मुसलमानों जैसी हैं वो अरबी ज़बान भी बोलते हैं वो कुरान भी पढ़ते हैं ऐसे लोग पहले भी आ चुके हैं और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी पानिब ने इन लोगों की निशानदेही प्रोफेसी की थी कि ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे और वो मुसलमानों को अपने हाथों से कत्ल करेंगे हज़ू ने प्रॉफ़िट महमदा वसम ने बताया था कि ऐसे लोगों से बचना तो ये इस धोखे में ना आए ना इनका कुरान ना इनका लिबास ना इनकी नमाज ना इनके होलिए मुसलमानों को मुतासर करें तो मुसलमानों को इनसे अलग रहना चाहिए और जो कनेडियंस हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मेरा मैसेज यही है कि ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते ये वहाबी सलफियों को रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमान इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बहुत बहुत धनबाद जी अपने विचार साड़े नाझे और मैं उम्मीद करता रहा है कि शायद जोड़े गलत रस्ते तुरे वो वापस मुड़े आन तो दुनिया के फिर अमन तो शांति बनी जाए थैंक यू वेरी मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया और मैं भी यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली दुनिया में अमन और आशती सारे इंसानों के लिए लेके आ जाए और सारे लोग प्यार और मोहब्बत से रहें और ये जो टेरोरिज्म है और ये जो वायलेंस हो रहा है ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇ ਔਰ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕੋ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਇਮਾਮ ਸੈਦ ਸੋਹਰ ਵਰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ 24 ਤਰੀਕ ਵਾਈਟ ਹੌਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ